हमको मालूम है कि तुलसीदास, कबीर, मीराज या सूर जैसे नहीं थे कि वे सिर्फ मौखिक रूप से रचना करते थे, वे खुद लिखते थे। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और खुद लिखते भी थे। आमतौर पर एक पांडुलिपि की जिंदगी लगभग 300 साल है, और उसके जी बाद फिर बारिश की वजह से, कीड़ों के वजह की वजह से, या लोग ठीक से नहीं रखते हैं उसी वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से 300 साल से ज्यादा पुरानी पांडुलिपि मिलनी बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी मिलती है, जैसे जयपुर के महाराजा तो अच्छी तरह से रखते रखते हैं, और राजस्थान का की आबोहवा भी अच्छी है, तो इसीलिए वो बच जाती हैं। ये हिंदी की पांडुलिपियों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो संस्कृत की पांडुलिपियां तो मिलती हैं, 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी पांडुलिपियां मिलती हैं नेपाल में, अच्छा और जैसलमेर में सबसे पुरानी कागज की पांडुलिपि मिलती है, लगभग 1200 के आसपास लिखी हुई पांडुलिपि, क्योंकि उससे पहले तो कागज का इस्तेमाल नहीं होता था, ताम्रपत्र पर आमतौर पर लिखते थे। दोस्तों नमस्कार, हम एक बार फिर से आपके साथ हैं और हमारे साथ आज बतखही श्रृंखला में इमरे बंगा जी हैं। आपने उनको पहली बार, पिछली बार यानी एक साल पहले आपने देखा होगा उनको हमारे वीडियो के माध्यम से। आज एक बार फिर से हम लोग उनसे कुछ जानने समझने का प्रयास करेंगे। वो पिछले 30 सालों से तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। आनंद घन पर उनकी महत्वपूर्ण किताब हिंदी में आई हुई है, काफी इसका सम्मान किया गया है। और आज अगर हम आनंद घन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानते हैं तो उसके पीछे इमरे बंगा जी का महत्वपूर्ण शोध है। तुलसीदास को लेकर के बहुत सारे भ्रम हमारे समाज में प्रचलित हैं। एक भ्रम ये भी है कि तुलसीदास की जो कविता है वो साहित्य के बजाय उसे हम धर्मग्रंथ की तरीके से ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा समझते हैं, और उनके राम को भी हम कई बार बड़ा अलग रूप में जानते और समझते हैं। ये बात अलग है कि राम का वास्तविक रूप जो था और जो आज हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें बहुत फर्क है। हम इन सारी बातों को इमरे बंगा जी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो सबसे प्रामाणिक विद्वान हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पांडुलिपियों को देखा है। कई पांडुलिपियां उन्होंने ही खोज निकाली हैं, जिसमें भक्तिकाल की जो प्रामाणिक जो पाठ उसका है उसको बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। सर, हम लोग वहीं से अपनी बात शुरू करेंगे आपके माध्यम से कि तुलसीदास को लेकर के और खासतौर से मध्यकाल को लेकर के जो धारणाएं हैं वो समाज में, हिंदी समाज में अलग हैं, और आप मध्यकाल को कैसे देखते हैं? जब मैंने मध्यकालीन साहित्य पढ़ना शुरू किया था, तब तो जिस दृष्टि से मेरे टीचर लोग उसको देखते थे, उस दृष्टि का मुझ पर भी असर पड़ा है। और उसमें यही था कि एक तो भक्ति साहित्य है, जिसमें भावनाओं पर बहुत जोर दिया जाता है, और एक रीति साहित्य है जिसमें काव्य रूपों पर जोर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे टीचर थे, वे कह रहे थे कि असल में रीति साहित्य में वो सब कुछ है जो भक्ति में है, और उसके ऊपर फिर शाब्दिक चमत्कार भी है, और साहित्यिकता कभी कभी और ज्यादा है। मैंने रीतिकाल पर काम करना शुरू किया था। मेरा प्रिय कवि है आनंद घन, उन पर तो किताब लिखी थी, मैंने अपनी पीएचडी भी उसी पर की थी। लेकिन इसके साथ साथ आनंद घन का अनुवाद किया है एक कवि दोस्त के साथ हंगेरियन में, और उसी छंद में किया है जो आनंद घन का छंद है, जैसे सवैया है, हीन भये जलमीन अधीन, कहा कचुमो अकुलान समान है, तो हंगेरियन में किया है, कीव लवीज नहोल्य मुरुल दहोजन लहतु अभयम नकमाश, उसी लय को दे देते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं करते या किसी और भाषा में नहीं करते, लेकिन मैं सोचता हूं कि लय में और शाब्दिक चमत्कार में जादू है, और हमारी अवचेतना तक पहुंचती है, और इनका बहुत महत्व है। तो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि अगर हंगेरियन भाषा में, वो छोटी सी भाषा है लेकिन बहुत ही समृद्ध भाषा है,
हंगेरियन मीडियम दर्जनों विश्वविद्यालय मिलते हैं, आप उच्च शिक्षा उसी मीडियम से करते हैं हंगेरी में। तो यूरोप की सभी भाषाएं, इससे छोटी भाषाएं भी बहुत ही समृद्ध हैं। तो समृद्धि की एक बात यही है कि हम दूसरी भाषाओं से सीखें। जैसे हमारे पहले सवैया किसी ने नहीं लिखा था हंगेरियन में, तो हमने सवैया में अनुवाद किया है, तो हंगेरी को एक नया काव्य रूप मिला है। काव्य रूपों में मेरी बहुत रुचि थी, और असल में सोचता हूं कि पुराने हिंदी साहित्य में काव्य रूपों पर जितना ध्यान दिया गया है वो और दुनिया की और किसी साहित्य में शायद इतना सफल मुश्किल से होगा, क्योंकि उसमें स्वाभाविकता भी है, चमत्कार भी है, और इसी चमत्कार से हमारे ऊपर एक ऐसा असर पड़ता है जो बहुत बार बौद्धिक असर नहीं है, वो भावनाओं तक पहुंचता है। पुराने हिंदी साहित्य को एक बहुत ही विशेष साहित्य मानता हूं, जिससे हम दुनिया भर में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हंगरी में तो काव्यानुवाद के जरिए तो वो हमारे बहुत नजदीक पहुंचता है। अंग्रेजी में तो काव्यानुवाद का प्रचलन नहीं है, तो उसी गहराइयों तक शायद नहीं पहुंचेगी। सुंदर सुंदर अनुवाद मिलते हैं, लेकिन जो गहराई मूल हिंदी में है वो पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक विदेशी के रूप से हिंदी साहित्य का अध्ययन करता हूँ, और इसीलिए अध्ययन करता हूँ कि हम उससे क्या सीख सकते हैं, हमारी मानवता के बारे में क्या सीख सकते हैं, मानव संस्कृति का यहाँ यह जो रूप है वो कैसा है, और भारतीय लोगों ने विश्व साहित्य को कितनी योगदान की है। पुराने जमाने में तो सिर्फ संस्कृत साहित्य को जानते थे, और लोक भाषाओं के साहित्यों पर तो बहुत कम काम हुआ है संस्कृत के मुकाबले। आजकल ऐसा हो रहा है कि लोक भाषाओं हिंदी, बंगला, मराठी वगैरह पर तो विदेशों में बहुत ही काम होता है, अनुवाद भी अच्छे अच्छे निकलते हैं, और यह साहित्य विश्व साहित्य एक हिस्सा बन जाता है, ऐसे लोगों तक पहुंच जाता है जिनको मालूम भी नहीं था कि पुरानी हिंदी पर कोई साहित्य है, या पुराने बंगला पर कोई साहित्य है। लोग रामायण समझते थे, लेकिन रामचरितमानस के बारे में पश्चिम में बहुत कम जानकारी थी। मध्यकाल पर जो अपने पांडुलिपियां देखी हैं, उनमें से सबसे पुरानी पांडुलिपि आपको कौन सी मिली? भक्ति साहित्य की सबसे पुरानी पांडुलिपि तो एक 1582 की पांडुलिपि है, जो जयपुर के पोथीखाने में, मतलब सिटी पैलेस में, जो जयपुर के महाराजाओं की निजी संग्रह है, वहां मिलता है। उससे पहले भी पांडुलिपियां थीं, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं रखी होंगी और अभी गायब हैं। यह नागरी लिपि में भक्ति साहित्य की सबसे पुरानी पांडुलिपि है जो आजकल उपलब्ध है, और हम तो बहुत भाग्यवान हैं कि उसका फैक्सिमिल छप गया था, तो इसी वजह से हम उसका अध्ययन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले गोविंदवाल पोथी तो गुरुमुखी लिपि में है, उसमें भी भक्ति साहित्य है, नामदेव, कबीर वगैरह उसी में है, गुरुमुखी लिपि में, वो भी 1570 के दशक की पांडुलिपियां हैं। लेकिन उससे पहले भक्ति साहित्य की पांडुलिपियां बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हालांकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में यह लिखा कि रामचरितमानस की रचना मैं अभी ईस्वी में बताता हूँ, वो तो विक्रम संवत है, 1574 में कर रहा हूँ अयोध्या में। तो इसी से, और हमको मालूम है कि तुलसीदास, कबीर, मीराज या सूर जैसे नहीं थे कि वे सिर्फ मौखिक रूप से रचना करते थे, वे खुद लिखते थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे,
और खुद लिखते भी थे। तो 1574 में तुलसीदास रामचरितमानस तो जरूर लिखते होंगे, तो उसी जमाने में भी पांडुलिपियां रही होंगी। आमतौर पर एक पांडुलिपि की जिंदगी लगभग 300 साल है, और उसके बाद फिर बारिश की वजह से, कीड़ों के वजह की वजह से, या लोग ठीक से नहीं रखते हैं उसी वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से 300 साल से ज्यादा पुरानी पांडुलिपि मिलनी बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी मिलती है, जैसे जयपुर के महाराजा तो अच्छी तरह से रखते हैं, और राजस्थान का की आबोहवा भी अच्छी है, तो इसीलिए वो बच जाती हैं। ये हिंदी की पांडुलिपियों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो संस्कृत की पांडुलिपियां तो मिलती हैं, 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी पांडुलिपियां मिलती हैं नेपाल में। और जैसलमेर में सबसे पुरानी कागज की पांडुलिपि मिलती है, लगभग 1200 के आसपास लिखी हुई पांडुलिपि, क्योंकि उससे पहले तो कागज का इस्तेमाल नहीं होता था, ताम्रपत्र पर आमतौर पर लिखते थे। ये पांडुलिपि किसकी थी जो 1582 मिली हुई है? हाँ, 1582 में मिली हुई पांडुलिपि, उसमें ज्यादातर सूरदास के पद हैं, और पांडुलिपि की शुरुआत में भी यही लिखा है कि पद सूरदास जी के जी। लेकिन उसमें 3 हिस्से हैं, पहले हिस्से में और तीसरे हिस्से में सूरदास के पद मिलते हैं सिर्फ, और मझला हिस्सा जो है उसमें सूरदास के पद मिलते हैं, फिर कबीर के पद मिलते हैं, उसमें विद्यापति का भी एक पद है, वो विद्यापति का शायद सबसे पुराना पद है जो पांडुलिपि में मिलता है, और कुछ और पुराने कवियों के भी पद मिलते हैं उसमें। वो एक वैष्णव पांडुलिपि है, और रोचक बात यही है कि कबीर को उसी वैष्णव पांडुलिपि में शामिल किया है, क्योंकि कबीर ने भगवान के लिए तो हरि राम वगैरह संबोधनों का इस्तेमाल किया है, तो फिर उसमें जो निर्गुण तत्व है कबीर के पदों, उन 15 पदों में वो निर्गुण तत्व कम है, और वे पद ऐसे हैं कि हम उनको वैष्णव रूप में भी पढ़ सकते हैं। आपने लिखा है कि पांडुलिपियों को संरक्षित करने या पांडुलिपियों को की जो शुरुआत है वो तुलसीदास ने की है, और बनारस में रहते भी उन्होंने जो पांडुलिपि लिखी वो मिलती भी हैं बनारस शहर में। इससे क्या लगता है कि तुलसीदास ने तो वो काम किया जिसकी एक तरह से शुरुआत आप मान सकते हैं, शायद भी आपने लिखा हुआ इसका, लेकिन तुलसीदास जो पढ़ते हैं तो कई सारे उनकी रचनाओं में ऐसा लगता है कि बाद में चीजें जोड़ी गई हैं। तो जब पांडुलिपियां उपलब्ध थी तो फिर बाद में जोड़ने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? शायद शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। अच्छा। एक तो यही है कि जो बड़े भक्त हैं उनमें से तो शायद तुलसीदास पहले थे जो लिखते थे, शायद नंददास भी लिखते होंगे, नंददास भी जरा सा तुलसीदास जैसे हैं, लेकिन उनके बारे में हमारी जानकारी थोड़ा कम है, और फिर इधर उधर भी भक्त लोग तो लिखने लगे होंगे, या गायक लोग अपने लिए एक एक पद को लिखते थे और फिर बाद में अपने अपनी किताब से या पोथी से पढ़ के सुनाते थे, गाते थे। तुलसीदास के रामचरितमानस के बारे में एक रोचक बात यह है कि उसका जो पाठ है उसमें बहुत पाठांतर मिलता है, और हमको वो मालूम नहीं है कि तुलसीदास ने ठीक किसी रूप में किस रूप में रामचरितमानस की रचना की थी, क्योंकि पांडुलिपियां बहुत बाद की हैं। सबसे पुरानी संपूर्ण पांडुलिपि संवत 1705, मतलब सन 1648 49 की है,
सबसे पुरानी संपूर्ण पांडुलिपि, तो वो तुलसीदास के देहांत के लगभग 25-30 साल बाद, लेकिन रामचरितमानस की रचना के लगभग 70 साल बाद। और सबसे पुरानी पांडुलिपि में क्षेपक बहुत हैं, पाठांतर बहुत हैं। दूसरी पांडुलिपियों को देखते देखते हमको पता चलेगा कि यहाँ जो सबसे पुरानी पांडुलिपि है जो आजकल बनारस में है, उसमें जो क्षेपक हैं वो दूसरी पांडुलिपियों में नहीं है, तो शायद ये क्षेपक है, मतलब तुलसीदास का लिखा हुआ हिस्सा नहीं है, किसी दूसरे ने जोड़ दिया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लोग मानते हैं कि तुलसीदास ने बाद में रामचरितमानस में कुछ जोड़ दिए, कुछ हिस्सा जोड़ दिया है। एक प्रसंग है जिसको तापस प्रसंग कहते हैं। तुलसीदास जी को वनगमन एक बहुत ही प्रिय प्रसंग था। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे हैं, और कहते हैं कि तुलसीदास को यौवन काल में इनकी दृष्टि हो गई है। और आजकल भी आप देखते हैं तो बहुत बार राम, लक्ष्मण, सीता वनगमन के प्रसंग में ही दिखाए जाते हैं, बहुत सारे चित्र मिलते हैं जिसमें ये तीनों एक साथ हैं। तो रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि वे जो अब वन जा रहे हैं, तो रास्ते में एक तापस, मतलब एक यंग तपस्वी मिलता है, और वो राम के पैरों पर पड़ जाता है। बस इतना तो लोग कहते हैं कि वहां तुलसीदास ने अपने को डाल दिया जी। कि उन्होंने तो वनगमन का दर्शन किया, तो अभी उल्टा कर दिया कि वनगमन में राम के सामने वो तापस आ गया। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये रामचरितमानस में सबसे पुराना क्षेपक है, अगर हम उसे क्षेपक माने, तुलसीदास का न माने। उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे हिस्से लगाए गए हैं जिसमें कुछ मिथक और ज्यादा बन जाते हैं। एक प्रसंग है चारों राजकुमारों का जन्म क्यों ऐसा हुआ है, और पहले जन्म में उनकी माताएं कौन कौन थीं। तो बहुत बार ऐसे पहले जन्मों की बात उसमें जोड़ दिए गए हैं। बाद में 19वीं शताब्दी में अच्छे अच्छे रामायणी रहते थे, एक का नाम तो खास तौर से उल्लेखनीय है, ये है राम गुलाम द्विवेदी 19वीं शताब्दी में। तो उन्होंने लाला छक्कन लाल के साथ बैठकर रामायण का ऐसा पाठ तैयार किया है जो बाद में फिर नागरी प्रचारिणी सभा ने छपवा दिया है, गोरखपुर गीता प्रेस ने लिया है, और लगभग जो हम आजकल पढ़ते हैं वो राम गुलाम द्विवेदी और लाला छक्कन लाल का तैयार किया हुआ पाठ है। तो उन लोगों ने पुरानी पांडुलिपियों को देखा, लेकिन ऐसा कोई प्रामाणिक पांडुलिपि नहीं है, तो उनको मिलाकर देखना है कि कौन सा प्रसंग सही हो सकता है, कौन सा नहीं। और उन लोगों ने रामचरितमानस का पाठ तैयार किया है जी। मैं आपको यहीं पर थोड़ा रोकना चाहता हूँ, ये लाला छक्कन लाल जी कौन थे? शायद मिर्जापुर के निवासी थे, मतलब इलाहाबाद बनारस में, और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी के बहुत सारे छापे खाने, मतलब प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गए थे, और हर एक छापे खाने ने अपना रामायण प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। तो पंडितों को बुलाया कि अभी रामायण का पाठ तैयार करो हमारे लिए। तो जितने भी बड़े 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 प्रेस होते थे उस जमाने में, तो उन लोगों ने सब ने एक एक रामायण का पाठ तैयार किया है। उनके बारे में मैं जीवन के बारे में इतना कुछ नहीं जानता हूँ, शायद वो राम गुलाम द्विवेदी के शिष्य थे,
और राम गुलाम द्विवेदी ने काम किया है, शायद उनका देहांत हो गया, फिर लाला छक्कन लाल ने उनका काम प्रकाशित किया है, लेकिन इसको ठीक से देखना होगा मुझे भी कि का संबंध क्या था। एक रामायण चकबस्त की भी मिलती है जो लखनऊ के थे, हाँ देखा है क्या उसको? नहीं, मैं रामचरितमानस पर ही काम किया है, लेकिन रामायण तो बहुत मिलते हैं और रामचरितमानस का प्रचलन पहले सीमित था लगभग यूपी तक, और फिर 17वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी में वो राजस्थान तक फैल गया, और 18वीं सदी के अंत में तो पांडुलिपियां मिलती हैं बंगाल में, मुंबई में, तो और ज्यादा लोकप्रिय बन गया। लेकिन जो सबसे पुरानी पांडुलिपियां हैं वे आमतौर पर यूपी में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मिलती हैं, और जयपुर में सवाई जयसिंह के जमाने में रामचरितमानस की कोई पांडुलिपि तैयार नहीं की थी, हालांकि वहां लगभग 30 रामायण तैयार किए गए हैं जी। तो तुलसीदास की स्वीकृति शुरू से नहीं हुई थी, लोग अपने अपने रामायण तैयार करते थे जिसमें अपने अपने दृष्टिकोण डालते थे जी। सर इसी से जुड़ी अगली बात है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और आम जन तक पहुंचाने के लिए उसको रामलीला के माध्यम से भी लोकप्रिय बनाया। हम ये भी देखते हैं कि रामचरितमानस का जो पाठ है जो हमारे सामने आज उपलब्ध है और जो हमारे समाज में राम का जो कहानी गाई जाती है जिसको हम बार बार सुनते हैं, क्या इससे राम की वही छवि बनती है जो आपको पांडुलिपियों में देखने को मिलती है? मैं तो रामलीलाओं के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता, एक ही बार बनारस में रामनगर की रामलीला देखी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही भीड़ थी, उधर महाराजा का हाथी वहाँ आया था, महाराजा नहीं आए लेकिन हाथी को तो भेज दिया है। लेकिन हर जमाने में लोग एक एक रचना को अपने तरीके से पढ़ते हैं और जो उनको उसमें अच्छा लगता है उस पर शायद जोर देते हैं, और जो उनको अच्छा नहीं लगता तो फिर उसको कुछ पीछे छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से अभी रामचरितमानस के तो लगभग 450 साल हो गए हैं, तो इन 450 सालों में लोग उसको अलग अलग तरीके से पढ़ते थे। मुझे मालूम है कि बनारस का महाराजा तो अपने महाराजापन के लिए रामचरितमानस के एक सचित्र प्रति बनवाया था, क्योंकि राजा होने का एक अर्थ यह भी है कि मैं मंदिर के लिए पैसा देता हूँ, पांडुलिपियों को रखता हूँ, रामलीला के लिए पैसा देता हूँ, मतलब राजा का मतलब था पैसा देना, लेते तो थे लेकिन देने का भी, और जो देने वाला नहीं था उनकी मान्यता भी कम थी जी। तो बनारस के महाराजा ने रामचरितमानस का इस्तेमाल इसलिए किया है कि उनको महाराजा के रूप में स्वीकृति मिली, कि वो बहुत पुरानी रियासत नहीं है बनारस, अंग्रेजों ने ही उसकी स्थापना की थी या उसकी स्थापना में मदद की थी, लगभग 1790 के आसपास महाराजा को दिखाना पड़ा कि मैं तो महाराजा हूं ही, तो एक चित्र रामायण बनवाया था जो इतना सुंदर है, बहुत बड़ा है, इतना सुंदर है कि लोग अवाक हो जाते हैं। आजकल बेंगलुरु में उसकी एक प्रदर्शनी हो रही है। अच्छा। क्योंकि उससे पहले शायद 100 साल तक महाराजा उसको अपने पुस्तकालय में रखते थे, दिखाते भी बहुत कम थे। तुलसीदास के यहाँ राम भी आते हैं और कृष्ण भी आते हैं, राम का कौन सा रूप है जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है।
मैंने कभी नहीं सोचा कि कौन सा रूप होगा जो प्रिय लगता है। आमतौर पर तो यही है कि उन्होंने जो वचन दिया है उस वचन का पालन भी किया है। उनको कितनी असुविधा क्यों न हो फिर भी वचन का पालन दिया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। और एक तरफ से तो रामायण में जो परिवार अपने में झगड़ा कर रहा है लेकिन उसका हल युद्ध जैसा नहीं होता। महाभारत में तो युद्ध हो जाएगा पांडव कौरवों के बीच, यहाँ भरत और राम के बीच तो युद्ध की बात दूर, वो आपस में बहुत ही प्रेम करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं और स्वीकार करते हैं कि एक राजा हो और मैं तो राजा नहीं हूँ। एक तरफ से भरत एक बहुत ही प्रिय पात्र है, उसमें वो बहुत आसानी से राज्य पर कब्जा कर सकता था लेकिन नहीं कर दिया, तो यह मुझे अच्छा लगता है। एक और बात राम की अच्छी लगती है कि जब कैकेयी आ जाती हैं चित्रकूट में उनसे मिलने, तो वो उनकी क्षमा करता है और क्षमा करने की शक्ति अगर राम में है तो ये लोगों को भी सिखाता है कि तुम्हारे बीच में भी क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। और भरत में राज्य को अस्वीकार करने की शक्ति है, इसीलिए कि परिवार एक साथ रहें और आपस में प्रेम रहे, तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है। बुरी बातें भी हैं राम में भी, और लेकिन उसके बारे में मैं अधिक बोलना नहीं चाहता, और लोग उसके बारे में तो बहुत ही बहाने बनाते हैं कि क्यों ऐसा किया क्यों ऐसा नहीं किया, लेकिन असल में साहित्य पढ़ने का एक तरीका मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि उसमें जो अच्छाइयां हैं उनसे हम अपने को प्रभावित करने दें और उसमें जो बुराइयां हैं उसको हम समझें। कभी कभी तो ऐसे समझें कि सदियों पर उनका असर पड़ा लेकिन उनको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपके देश की तरफ चलते हैं, क्या यही ये धारणाएं आपके समाज में देखने को मिलती हैं? इस तरह की बातें तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, खासतौर से भरत जैसी बातें कि मैं राजा बन सकता लेकिन मैं कहूंगा कि मैं नहीं बनूंगा। और आमतौर पर तो हम राजनीति में देखते हैं कि सभी लोग सत्ता में आना चाहते हैं और इसका उल्टा कि नहीं, मेरे मुकाबले कोई और ज्यादा लायक आदमी है तो उनको सत्ता में रखूं, यह बात तो होनी चाहिए लेकिन पता नहीं किस हद तक सफल होता है। और वैसे क्षमा करने की बातें वो तो मैंने देखी हैं पश्चिम में। एक बात यही है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जो पहले IRA एक टेररिस्ट आतंकवादी संगठन हुआ करता था जो उत्तरी आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से अलग करना चाहता था, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर भी आतंक की थी, और असल में लॉर्ड माउंटबेटन जी माउंटबेटन हाँ तो उनकी हत्या की थी IRA ने। और फिर टोनी ब्लेयर IRA वालों के साथ बैठ गया, आपस में बातें हो गई थी, नॉर्दर्न आयरलैंड को एक राज्यसभा मिली और वो आतंकवाद खत्म। तो कभी कभी राजनीति में ऐसी भी हो सकती है। एक दूसरी बात यही है जो लगभग 30 साल पहले की बात है और अभी बहुत ही प्रासंगिक है। 30 साल पहले इज़राइल और फलस्तीन बैठ गए थे और आपस में
शांति की चर्चा हो गई थी और शांति की स्थापना भी हो गई थी, क्योंकि पैलेस्टाइन का जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था उसको भी आतंकवादी कहते थे, फिर भी उनके साथ बैठ गए, बातें हो गई थी और फिर आपस में शांति। हालांकि वो शांति इतनी लंबी नहीं हुई जितनी नॉर्दर्न आयरलैंड में, लेकिन राजनीति में भी यही है कि कभी कभी कोई हमारे खिलाफ बहुत कुछ करता है, बहुत ही खराब बातें करते हैं, फिर भी हम अगर उनके साथ बैठेंगे तो आगे जनता के लिए ही अच्छा रहेगा। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आते हैं फिर हिंदुस्तान की तरफ लौट करके। मध्यकाल की बहुत सारे कवियों को जब पढ़ते हैं, कबीर को पढ़िए तब भी वहां पर बहुत सारे पद उनके जोड़े गए हैं बाद में। मीरा के आपने लिखा ही है कि एक लेख में कि मीरा के पद मुश्किल से 69 मिलते हैं, ये 69 या 6 मूल पद जो एक जैक हॉली ने लिखा है कि उनको 17वीं सदी की पांडुलिपियों में शायद 13 पद मिले थे। अच्छा, जो मैं भूल रहा हूँ। हाँ, एक तो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, लेकिन बहुत ही कम हस्तलिखित रूप में मिले थे जी। और जैसे देखते हैं कबीर के बहुत सारे जो उनके मूल पद हैं और बाद में जो पांडुलिपियां मिलती हैं जिससे संख्या लगातार बढ़ती जाती है। सूरदास के साथ भी यही है कि सूरसागर का जो है उसमें 5000 पद हैं। हाँ, हाँ। तो ऐसे में जब हम मध्यकाल को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इन कवियों के प्रामाणिक पाठ तक क्या पहुंच पाते हैं? तुलसीदास के प्रामाणिक पाठ के बहुत नजदीक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वे लिखते थे और वहां पांडुलिपियां लिखित रूप से हमारे जमाने तक आ गए थे, लेकिन गायकों के द्वारा मौखिक रूप से पद एक गायक से दूसरे गायक तक पहुंचते थे, या एक गायक ने एक श्रोतागण को एक तरफ से सुनाया, दूसरे श्रोतागण को दूसरी तरफ से सुनाया, तो फिर प्रामाणिक पद कौन सा है हमको पता चलना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर आजकल विद्वान प्रामाणिक पद तक पहुंचने की बातें छोड़ देते हैं, यही देखते हैं कि एक एक संप्रदाय या एक एक समाज मीराबाई के बारे में क्या सोचते थे, कौन सा पद उस समाज के लिए महत्वपूर्ण था, सूरदास का कौन सा पद एक एक समाज एक एक संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण था, कबीर का कौन सा, जैसे मैंने कहा था कि कबीर एक वैष्णव पांडुलिपि में मिलती है, तो कबीर का वैष्णव रूप भी है, निर्गुण रूप भी है, और निर्गुण रूप में भी अलग अलग पक्ष होते हैं। जैसे सिख धर्म में वैराग्य की बातें बहुत कम होती हैं, तो कबीर के वैराग्य वाले पद गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं मिलते। सर कबीर को जब हम पढ़ते हैं तो राम का हमारे सामने एक अलग रूप आता है, तुलसी को पढ़ते तो वहाँ राम का एक अलग रूप हमारे सामने, और रामायण के कई सारे अगर हम जो उसके जो रामायणें मिलती हैं 350 से ऊपर उनमें भी राम के अलग अलग रूप मिलते हैं। उत्तर भारत में राम का जो रूप प्रचलित है उसमें सबसे ज्यादा रामचरितमानस के जो राम है वही सबसे दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जब हम कबीर को देखते हैं तो कबीर के राम जिनके साथ तुलसी कबीर बहस करते हैं बात करते हैं वहां पर तुलसीदास कहीं राम के साथ बात नहीं करते, मतलब कवि की बातचीत नहीं आती है। वो सीता के माध्यम से कहते हैं कि कबहुं अंब अवसर पाए मेरे सुध्यायो कुछ करुण कथा चलाए। तो क्या लगता है आपको कि आप जब पढ़ते हैं दोनों तरह के रचनाओं को तो किस राम के साथ आपकी निकटता बनती है? निकटता तो अच्छे साहित्य से ही बनती है,
और एक तरफ से तो कबीर में जो राम आता है वो एक नाम है और नाम का महत्व कबीर तो मानते ही हैं, लेकिन नाम के पीछे जो मिथक है वो कबीर में नहीं है जी। और उस जमाने में मुसलमान जब हिंदी में लिखते थे तो ईश्वर के लिए वे लोग भारतीय नामों का इस्तेमाल करते थे। तो अगर हरि लिखते थे तब तो उसका मतलब अल्लाह, अगर राम लिखते थे उसका भी मतलब अल्लाह हो सकता था। खास तौर से जब कहते हैं कि राम तो एक ही हैं, तो कबीर में इसकी संभावना है। हालांकि हम पक्का नहीं बता सकते हैं, लेकिन कबीर से पहले अब्दुल कुद्दूस गंगोही नाम के लेखक हुए थे जो फारसी में लिखते थे और हिंदी में। अब्दुल कुद्दूस गंगोही हाँ, और ज्यादातर फारसी में लिखते थे। उन्होंने चांदायन का फारसी अनुवाद भी किया है जो फिर नष्ट हो गया है। और अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने हिंदी में जब लिखा तो अपना नाम अलखदास रखा जी। और कुद्दूस मतलब भगवान जी, उसका रूपांतर किया है अलख अलख, और अब्द मतलब दास जी। तो बिल्कुल हिंदी में उसका अनुवाद किया है। और 17वीं सदी में ऐसी रचनाएं मिलती हैं फारसी में हकायक हिंद, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जब गायक कृष्ण गाता है तो उसका मतलब हक्के इंसान हो सकता है, पैगंबर मुहम्मद हो सकता है। तो अलग अलग दृष्टि से लोग ये देख सकते थे कि राम का मतलब क्या है। एक मुसलमान के लिए, एक सूफी के लिए कुछ अलग मतलब हो सकता था। और गोपियों का क्या मतलब है, वृंदावन का क्या मतलब है, कृष्ण के पत्र का क्या मतलब है। तो इस तरह सूफी संवाद तो चलता ही रहता था। ऐसा नहीं था कि वो हिंदू है तो हम उनकी बातें नहीं करेंगे या उनके गान नहीं गाएंगे। यही था कि उन लोगों से हम क्या सीख सकते हैं। एक तरफ से तो यही है, रामचरितमानस में जो राम है उनके तो अच्छे पक्ष भी हैं और बुरे पक्ष भी हैं। और तुलसीदास ने भी कुछ ऐसे बातें लिखी हैं जो आजकल तो नहीं चलनी चाहिए। फिर भी वे अपने जमाने में एक बहुत ही प्रगतिशील आदमी थे, जहां जिन्होंने भक्ति को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, और उसमें वे सफल भी बन गए हैं। एक तो यही है, दूसरा कि एक बहुत ही महान साहित्यकार थे। मेरे ख्याल से तुलसीदास शेक्सपियर से कम नहीं थे, दोनों समकालीन थे। और असल में उनको तो पढ़ना चाहिए और अपने प्रसंग में ही पढ़ना चाहिए, जैसे शेक्सपियर को भी अपने प्रसंग में पढ़ना चाहिए। शायद रोमियो एंड जूलियत 14-15 साल के लड़के लड़कियां हैं, कहीं कुछ जिक्र है ना। आजकल हम उस पर आपत्ति करेंगे कि उसी उम्र में शादी वगैरह की बातें तो हो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो शेक्सपियर भी अपने जमाने में लिखते थे। तो हमको समझना है कि लोग अपने जमाने में लिखते हैं, और उस जमाने में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो प्रचलित थीं, लेकिन आजकल उनको हम स्वीकार नहीं करते और स्वीकार करना चाहिए ही नहीं। लेकिन उन लोगों ने जो साहित्य को आगे बढ़ाया, लोगों को जो प्रदान किया, और बहुत कुछ ऐसा प्रदान किया कि आजकल भी प्रासंगिक है, तो हमको वही पकड़ना है और सब कुछ नहीं। वो हमारा दिमाग लगाना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए कुछ सिखाते हैं। बिना चर्चा के हम इसको नहीं कर सकते,
चर्चा होनी चाहिए, अलग अलग राय होनी चाहिए और तब एक अच्छा ध्यान अच्छा ध्यान मिलता है कि ये इस साहित्य में और क्या क्या है जो हमसे अभी भी बात करती है। लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि से हर साहित्य को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना है और एक प्यार की दृष्टि से, दोनों को होना चाहिए। मध्यकाल को पढ़ते हुए आपके सामने समाज का कौन सा रूप उभरता है जो मतलब बेहद हमें अपने नजदीक दिखाई पड़ता है? तो एक शायद यही है कि उस साहित्य में दुनिया बहुत सुंदर रूप में देखते थे। तुलसीदास रामचरितमानस में जब किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं तो वहां एक अच्छा विशेषण भी लगा देते हैं, शायद सुप्रत्यय या सुंदर या कुछ, वहां नारी नहीं है, नारीवर है, या एक दान नहीं है, वो सुदान है। तो इस तरह की बातें हम भूल गए हैं आजकल कि दुनिया में जो सुंदरता है उसको हम पकड़ लें, और वो तुलसीदास में मिल जाता है। आपने एक व्याख्यान में बात कही थी कि जो कबीर के पद जैसे मिलते हैं तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पहला जो पंक्ति है वो 15 लाइन की है, दूसरी पंक्ति 18 लाइन की है और तीसरी पंक्ति 21 लाइन की है, या कहीं कहीं पर 28 लाइन मिलते हैं, और आपने उसको एक उसे समझाया भी मात्राएं गिन करके कि इसमें कौन कौन से जो शब्द हैं बाद में जोड़े गए लगते हैं। तो इससे दो बातें मतलब सवाल बनते हैं इसी से कि एक तो ये है कि इनकी शिष्य परंपरा भी रही है खासतौर से कबीर की, तो बहुत सारे पद तो इन्होंने कबीर के, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इनके जो विद्यार्थी रहे शिष्य रहे उन्होंने जोड़ा हो। दूसरा एक आपने जो बात कही गायन की, तो इससे क्या पता चलता है कि जो ये कवि हैं अगर आपके हिसाब से हम देखें तो उन शब्दों को अगर हटा दिया जाए तो कबीर और तुलसीदास नजदीक आते हैं अपने काव्य शैली के माध्यम से, एक ही काव्य रूप बनता हुआ दिखाई पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो यही है कि पुराने काव्य को हम जब मौखिक परंपरा देखते हैं तो मौखिक परंपरा तरह तरह के होते हैं। एक है कि हम आवृत्ति करते हैं, एक है कि हम किसी धुन से गायन करते हैं, और एक है जब राग में गायन करते हैं। राग में गायन करने के लिए तो बहुत ही शिक्षा की जरूरत है और गायक ही कर सकते हैं। धुन तो आप सुन लेते हैं कि दोहे को इसी धुन से गाना है, सवैये को इसी धुन से गाना है, चौपाई को इसी धुन से गाना है, तो वो आसानी से आ जाता है। फिर आवृत्ति, उसको भी कुछ सीखनी है, लेकिन वो साधारण लोग जब हजारों काव्यों की आवृत्ति सुनते थे तो वो उनके दिमाग में भी बैठ गया है। तो मौखिक परंपरा इन तीनों रूपों में चली आ रही थी, और आवृत्ति में मात्राओं का बहुत महत्व है, धुन में भी काफी महत्व है, और फिर राग गायन में कम, क्योंकि आप छोटा लंबा ह्रस्व दीर्घ सब कुछ बना सकते हैं। मैं सोचता हूं कि कबीर को शायद शास्त्रीय संगीत नहीं आता था, तो लेकिन बाद में जो गायक थे वो तो फिर राग में सुनाते थे और कभी कभी वो अपने संबोधनों को लगा देते थे, या जब वे सोचते थे कि श्रोता इसको समझेंगे नहीं तो समझने के लिए कुछ टिप्पणी वहां लगा दी है, जैसे जब जल की बात हो रही है वो तो हरि जल है, ये गायक ने फिर वहां दे दिया हरि, एक समाधान दिया है कि जल का क्या अर्थ है। कभी कभी गायक रे अरे हे वगैरह जोड़ देते थे गायन की शैली में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो रोचक बात है यही है कि अगर हम
कबीर के पुराने काव्य रूप तक पहुंचते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या जोड़ा हुआ है और क्या मूल पाठ हो सकता है। हम तो पक्का कभी भी नहीं बता सकते शायद, लेकिन जो मूल पाठ हो सकता है वो बार बार ऐसा लगता है कि वो चौपाई है, दोहा है या सार छंद है। दोहा चौपाई का इस्तेमाल तो रामचरितमानस में ही मिलता है, जायसी में मिलता है, असल में चांदायन में मिलता है या उससे पहले अपभ्रंश साहित्य में मिलता है। तो ये बिल्कुल शिक्षित साहित्य है और कबीर को हम अशिक्षित मानते हैं, हालांकि जो साहित्य रूप का जिस साहित्य रूप का इस्तेमाल करता है वो तो शिक्षित साहित्य का साहित्य रूप है। जी अब सर एक अंतिम सवाल है, जैसे आपने एक व्याख्यान में कहा था कि लवकुश का जो प्रसंग है वो रामचरितमानस के कुछ संस्करणों में नहीं मिलता है। असल में वो मिलता ही नहीं है, तुलसीदास ने नहीं लिखा। जी जी, बाद में लोगों ने जोड़ दिया है। ये किस समय की बात हो, किस समय की पांडुलिपियों के बाद मिलना शुरू हो जाता है? पता नहीं, शायद रघु तिवारी वाली पांडुलिपि में जो संवत 1700-1500 शताब्दी में शायद यह वहां नहीं था। 18वीं शताब्दी में मैंने क्षेपकों का इतना गहरा अध्ययन नहीं किया है कि कब लवकुश खांड जोड़ा गया, लेकिन आजकल भी कुछ प्रकाशित संस्करणों में लवकुश खांड दिया गया है और कभी कभी कहते हैं ये अष्टकांड रामायण है। तो लेकिन ये बहुत ही बाद का है। मैंने लवकुश खांड पढ़ा है तो उसमें तुलसीदास की शैली का बहुत ही अच्छा अनुकरण है। जी। तो अगर हम पुरानी पांडुलिपियों को नहीं देखते तो हम सोच सकते थे कि यह तुलसीदास ने लिखा हुआ है। जी। लेकिन ये तो अनुकरण है और बहुत अच्छा अनुकरण है बस। दोस्तों ये रही हमारी बातचीत रेवंगा जी के साथ, काफी सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और रेवंगा जी की किताब आने वाली तुलसीदास पर हम सबको इंतजार रहेगा और आपको भी रहेगा कि जल्दी किताब आए और हम सब तुलसीदास का एक ऐसा पाठ पढ़ेंगे जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। सर आपने हम लोगों से बात की किताबी दुनिया के दर्शकों से, इसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम जल्दी ही किसी मोड़ पर मिलेंगे और फिर से आपसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।